जय श्री राम दोस्तों, आज अपनी बैक और बाइसेप की वर्कआउट और एक हमारे शेप की वर्कआउट रहने वाली है। बैक के हमारे 5 सेट रहने वाले हैं, बाइसेप के हमारे 4 सेट रहने वाले हैं, एक शेप का सेट रहने वाला है। उसके बाद अपना एब्स होएगी और कार्डियो होएगी। एब्स में हम लेके आज अपर एब्स और कार्डियो अपनी 20 मिनट करेंगे। तो और जैसे कि सर्दी अभी आ गई है, अब तो थोड़ा देर से जिम जाने लग गए, थोड़ा लेट हो जाते हैं जिम के लिए। अब बात करते हैं हम के कार्डियो की, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि भाई कार्डियो करनी जरूरी है क्या। तो कार्डियो पे ही आते हैं आज कि हमें कार्डियो करनी चाहिए और रेगुलर करनी चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो तो आप एक दिन छोड़ कर एक दिन भी कर सकते हो, ठीक है। और कार्डियो करने के लिए जरूरी है, क्योंकि कार्डियो सिर्फ फैट लॉस के लिए जरूरी नहीं होती है, वो हमारे हार्ट के लिए भी जरूरी होती है। जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारा हार्ट आप देखते होंगे एकदम से तितर धड़कने लग जाता है। और जब हम कार्डियो नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पर नॉर्मल चल रहा होता है, तो जितनी तेज हार्ट धड़कता है उतनी तेज की हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होता है। एक तो ये इसलिए कमी जरूरी है, ये हार्ट की एक्सरसाइज कहलाती है, ना कि हमारे फैट लॉस की। पहला रीजन तो ये हो गया, फैट लॉस में भी काम करती है। दूसरी चीज, कार्डियो हम कर रहे हैं सिर्फ हार्ट के लिए। अब आते हैं फैट लॉस पे भी, ये फैट लॉस में भी अच्छा काम करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म है जो उसको फास्ट करती है। और कार्डियो में हम साइकिलिंग, ठीक है, ट्रेडमिल, जंपिंग और मतलब कोई भी जो एक्टिविटी होती है, अच्छी एक्टिविटी जिसमें हमारा हार्ट जो रेट है वो बूस्ट होता है, उसको हम कार्डियो ही कहते हैं। कार्डियो में ये नहीं कि सिर्फ दौड़ना ही होता है। अगर हम गेनिंग कर रहे हैं तो भी हमें कार्डियो करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा, जिससे कि हमारा बॉडी में फैट कम आएगा और हमारा जो मसल मास है वो इंक्रीज होएगा। और एक चीज और बताते हैं लोग कि कार्डियो, कई लोग मैंने देखा है कि जिम में आते हैं और ट्रेडमिल पे चढ़ के दौड़ना चालू कर देते हैं, ठीक है। आप ट्रेडमिल पे आके 5-7 मिनट अपना वार्म अप तो कर सकते हो उस पे, ठीक है, अपना 5-7 की स्पीड पे चल के, लेकिन उस पे दौड़ना, अपने आप को पहले थका देना, वो सही नहीं है। आप पहले अपनी वर्कआउट पूरी करो, वर्कआउट पूरी करने के बाद फिर आप ट्रेडमिल पे आओ, उसके बाद अपना 20 मिनट की कार्डियो करो, 20 मिनट से 25 मिनट। फिर और दूसरी चीज कि जरूरी नहीं आपको जो सामने वाला बंदा दौड़ रहा है उसी स्पीड में दौड़ना है। आप चाहो, आपको जितने में एक कंफर्ट जोन होता है ना, उससे जब आप बाहर निकल जाओ बस आपको उस स्पीड में दौड़ना है, ठीक है। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप दौड़ने के बजाय आप स्प्रिंटिंग मार सकते हो, मतलब 30 सेकंड आप दौड़े, फिर 30 सेकंड आपने रेस्ट लिया, फिर 30 सेकंड दौड़े, ऐसा करके आप 20 बार या 15 बार कर सकते हो। इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये सबसे अच्छी मेरे को कार्डियो लगती है, जो आप जंपिंग वगैरह से मेरे को स्प्रिंटिंग सबसे अच्छी लगती है। आपको पता भी नहीं चलता, आपकी कार्डियो भी खत्म हो जाती है। और हाँ, लेकिन ये है कि आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से एफर्ट डाल के दौड़ना होता है, बहुत जान लगा के दौड़ना पड़ता है उस 30 सेकंड के अंदर। तो अगर आप कार्डियो करना चाहते हो तो स्प्रिंटिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, मतलब रोप जंपिंग, और आप साइकिलिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप कार्डियो कर सकते हो। नॉर्मल जिसमें आपको मजा आए आप वो वाली कार्डियो करिए। तो ये थी आज की छोटी सी एक वीडियो कार्डियो के ऊपर। अब चलते हैं जिम और मिलते हैं जिम में। और दूसरी चीज, अगर आप अपना पोस्ट वर्कआउट भी लेके जाते हो या पोस्ट वर्कआउट अपना शेक लेके जाते हो तो आप उसको कार्डियो के बाद ही ले, बीच में ना ले। तो करके सबसे पहले हमने लिए अपने पुलअप। पुलअप के हमारे थे 40 रेपिटेशन, जिसके हमने 10-10 करके 4 बार ही में अपने रेपिटेशन पूरे किए हैं। इसके बाद आएगा अपना डेडलिफ्ट। इसके रेपिटेशन जो आए आपकी बार वो बहुत कम ही आ पाए। इसके मेरे 8-8 के 3 रेपिटेशन आए हैं और शुरू के मेरे 2 वार्म अप सेट थे। फिर आया अपना लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन में अच्छे खासे मेरे रेपिटेशन आ गए। पहले आए 20, फिर 18, फिर 16 और फिर लास्ट में 12 थे। फिर उसके मैंने ड्रॉप सेट भी लिए, 12 करके 10 करके ऐसे करके मैंने उसमें ड्रॉप सेट भी लिए थे।
और इसके हमारा साथ सुपर सेट में आके आई है हमारा बार पुल डाउन, इसके रेपिटेशन हमारे 15-15 के 4 सेट, ये हमारे लक पुल डाउन के संग सुपर सेट चलेगा। बाद है हमारा केबल रोइंग, इसके रेपिटेशन भी हमारे 20, 18, 16 और 12 थे। हर बार वेट को उसमें इंक्रीज करा गया है। इसके साथ है हमारे बाबा कल्स सुपर सेट में, और इसके जो हमारी रेपिटेशन है वो है 16, 14, 12 और लास्ट में था हमारे 6, 8 और ऐसे ही मेरे कुछ ड्रॉप कट गए थे लास्ट वाले में। इसके बाद है हमारा डबल से डबल हैंड डबल कल्स, इसके रेपिटेशन हमारे 15-12 का 7। और इसके संग हमारा सुपर सेट रहने वाला है हमारे कल्स का, वो भी डबल हेड से रहेगा। जो हमारा सुपर सेट है बिल्कुल लाइट वेट से करेंगे हम। इसके बाद अपना फीचर कल्स, इसके हमारे 15-15 के 4 सेट। साथ में अपना शरक, शरक के भी हमारे 15-12, 10, 8, इसके हमारे 4 सेट जाएंगे। इसके बाद है हमारी एप्स के वर्कआउट, पहले हमने पारा बैठे क्रंचीज फ्लैट बेंच पे, इसके बाद ले हमने जॉइंट बेंच क्रंचीज थ्री वेट, रेपिटेशन हमारे 25-25 रहने वाले हैं सारे और 3 सेट रहने वाले हैं सारी एक्सरसाइज में एप्स। इसके बाद है अपना केबल क्रंचीज, इसके भी हमारे रेपिटेशन 25-25 के 3 सेट। ये हमारी लास्ट वर्कआउट है और इसके बाद है अपना कार्डियो, जो 20 मिनट की कार्डियो है वो कंटिन्यू आपको करनी ही करनी है हर दिन करनी है। अगर आप हर दिन नहीं कर पाए तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी कर सकते हो। और ये है आज की कंडीशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, हम डेली कुछ ना कुछ टॉपिक पर बात भी करते हैं और अपने वर्कआउट की वीडियो भी शेयर करते हैं।